नमस्कार, आप सभी का खोज खबर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी से। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आपका खोज खबर में स्वागत है। धन्यवाद सर। अपनी फेडरेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारी ये ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन की सबसे पुरानी एक फेडरेशन है, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया तीनों पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। और ये 85 में ये बनी थी ऑल इंडिया लेवल की। पहले छोटे छोटे अलग अलग रीजन के थे, ऑल इंडिया लेवल पे 85 में ये हमारी फेडरेशन बनी थी। उसके फाउंडर प्रेजिडेंट मिस्टर प्रताप दोषी थे। उसके बाद से अब मैं 2017 के बाद से मैं प्रेजिडेंट हूँ। सर, बात करें हम उज्ज्वला योजना की, जो कि मोदी द्वारा निकाली गई है सिलेंडर्स के लिए, तो सिलेंडर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन पब्लिक में जो उपभोक्ता होते हैं वो कहते हैं कि सिलेंडर हमें मिल जाते हैं गरीब लोगों को, लेकिन गैस बड़ी महंगी पड़ती है जिस कारण वो भरवा नहीं पाते। देखिए, ये जो उज्ज्वला स्कीम आई ना, PMUY जिसको बोलते हैं हम, ये बहुत अच्छी बेहतरीन एक स्कीम आई है। इसके अंदर जो एक जो टारगेटिंग सेक्टर था, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में कम से कम 5-7 साल तो नहीं सोच सकते थे कि हमें भी गैस कनेक्शन, हम भी, हमारी भी परचेजिंग पावर होगी गैस कनेक्शन खरीदने के लिए, तो उस सेक्शन को, उस क्लास को टारगेट किया गया था। और इसमें जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर जो केंद्रीय सरकार की SCCC की लिस्ट थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसकी जो लिस्ट थी उसमें से जो लोग गरीब थे, BPL थे, उन लोगों को सबसे पहले फर्स्ट फेज में कनेक्शन उनको दिए थे। एक परिवार को, वो भी जो महिला थी उस परिवार की हेड, महिला के नाम से कनेक्शन दिया था। इसमें सिलेंडर रेगुलेटर की जो कीमत थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से बजट पास करा के सेंट्रल केंद्रीय सरकार की थी, और गैस स्टोव और पहली रिफिल वो कस्टमर को इंस्टॉलमेंट पर मिलनी थी, जो ऑयल कंपनी ने पैसा दिया और वो जितनी रिफिल लेते उनको इंस्टॉलमेंट के, जो सब्सिडी जाती थी, सब्सिडी के द्वारा उनकी इंस्टॉलमेंट के, उनकी कीमत उनसे वो करती। कस्टमर को एक भी पैसा नहीं देना था, उनके लिए बिल्कुल टोटल फ्री था। कुछ लोगों ने सिलेंडर रेगुलेटर तो फ्री लिया, लेकिन चूल्हे की और फर्स्ट रिफिल की पेमेंट उन्होंने खुद की है, लेकिन मेजोरिटी जो कस्टमर थे उनको टोटल इक्विपमेंट फ्री मिला है, चूल्हा भी और पहली रिफिल भी उनको मिला है। और उनकी जो रिकवरी थी धीरे धीरे होके, उनकी जो सब्सिडी बैंक में जानी थी, जितनी भी सिलेंडर पे सब्सिडी थी उसके द्वारा उसकी पूर्ति होनी थी। बीच में 6 महीने के लिए सरकार ने उस रिकवरी को भी रोक दिया था, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करें, वो उपभोक्ता जो उज्ज्वला का था। सर, बात करें हम सिलेंडर्स तो ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए दबाव डाला जाता है कि सिलेंडर के साथ आपको चूल्हा भी लेना पड़ेगा, क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर, इस उज्ज्वला स्कीम के अंदर सिलेंडर रेगुलेटर रबर सुरक्षा होज और चूल्हा और पहली रिफिल सब कुछ फ्री था, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती का वो ही नहीं था। पूरा का पूरा जो सेट है, देखिए, ये जो गैस कनेक्शन है, अपने आप में सिलेंडर रेगुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते जबकि पास आपके पास चूल्हा नहीं होगा। तो पूरा कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कनेक्शन में 4 चीज़ें होती हैं, सिलेंडर रेगुलेटर रबर ट्यूब जिसको बोलते थे पहले, आजकल उसको सुरक्षा बोलते हैं, सुरक्षा होज और चूल्हा, 4 चीज़ को मिला के गैस कनेक्शन बनता है। तो टोटल फ्री था, इसमें ज़बरदस्ती का कहीं दूर दूर भी कोई ताल्लुक नहीं था। सर, बात करें हम, कुछ लोगों का ये कहना है कि रेट लगातार बढ़ते चले जाते हैं सिलेंडर्स के, उससे बड़ा दिक्कत रहता है लोगों को। देखिए, ये सरकार ने काफ़ी पहले फैसला ले लिया था कि LPG का जो प्राइस है वो इम्पोर्ट पैरिटी रेट पर तय होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑयल सेक्टर में LPG की कीमत होगी उसको बेस बना के LPG की प्राइस है, और ये हर महीने कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। ठीक है, ये जो उज्ज्वला की जो कस्टमर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए जब सिलेंडर महंगा होता है तो एक मुश्त में ख़रीदने के लिए उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी जो आमदनी है, महीने की आमदनी उतनी नहीं होती कि वो 600-700 या 750 का सिलेंडर एक मुश्त में ले लें। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये है कि सरकार ने अभी ऑयल कंपनी ने, सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि क्योंकि 14 किलो का जो सिलेंडर है उसकी कीमत सपोज 700 रुपये है, तो 700 रुपये कोई भी कस्टमर वो एक दफ़ा नहीं खर्च करेगा,
तो उसके लिए 5 किलो का डोमेस्टिक सिलेंडर सरकार ने दिया है, जो ये वाला सिलेंडर है। अच्छा, जो ये रखा। हाँ, इसकी कीमत आमतौर पे जब ये उज्ज्वला की स्कीम लागू की तब ये 200 रुपये से भी कम थी, आज ये 250-240 रुपये के करीब इसकी प्राइस है। तो वो एक मुश्त 250 रुपये में ये 5 किलो गैस खरीद सकती है, और जो करीब उनका 1-1.5 महीने 2 महीने भी चलेगा, अगर किसी उपभोक्ता की, जो उज्ज्वला के उपभोक्ता हैं, उनकी अगर साल में 4 सिलेंडर की खपत है एक साल में, तो इसका आप मतलब लगा लो कि 3 महीने उनका एक सिलेंडर चलेगा। तो ये अगर 5 किलो का सिलेंडर वो लेते हैं तो कम से कम 1.5 महीने उनको ये सिलेंडर चलेगा, और उनको 250 रुपये का पड़ेगा, तो वो उनकी परचेजिंग पावर के अंदर आ सकता है। दूसरी चीज़, एक दिक्कत ये आती है उनमें कि उन उपभोक्ताओं के दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है कि सरकार ने हमें बड़ा सिलेंडर दिया है 14 किलो का, तो उसके बदले हम छोटा सिलेंडर क्यों लें। तो उसका जवाब ये है कि वो भी आपको फ्री मिला था, ये भी आपको फ्री मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा सर इससे? इसका फ़ायदा कि वो उसकी परचेजिंग पावर में, वो उसको खरीद के अंदर होगा, वो 250 रुपये कहीं ना कहीं से अपना इंजाम करके इसको खरीद लेते हैं। प्लस ये लाने ले जाने में हैंडी है, घर में भी इस्तेमाल करने, उठने रखने में भी हैंडी है ये 14 किलो का। प्लस वो 14 किलो का सिलेंडर आपका 3 महीने चलेगा, आपके 3 महीने के लिए उनके दिमाग में हमारे 700 रुपये फंस गए, ये 250 रुपये है, जब ख़त्म होगा इमीडिएटली उनको दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो गैस जो आपके घरों में देते हैं, उनके लिए भी आसान है कि ये आसानी से उनको आसानी से उनके घर पहुंचाया जाए। तीसरा एक और अल्टरनेटिव है कि कंज्यूमर सर्विस सेल है, CSC, वो केंद्रीय सरकार का है एक प्रोजेक्ट, उसमें करीब 2 लाख से ऊपर ऑल ओवर इंडिया सेंटर है गाँव में भी, उसमें उनके थ्रू भी कोशिश हो रही है कि जो दूर दराज में डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उस सेंटर पे ये सिलेंडर पहुंचा दिया जाए, ताकि गांव के गांव में ही वो उपभोक्ता वहां से उसको सिलेंडर ले सकते हैं। कोशिश है, आपका भी मीडिया का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसमें बहुत बड़ा, अगर आप लोग सहयोग करेंगे आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, अगर आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ कि 5 किलो का सिलेंडर के 14 किलो के सिलेंडर के बदले आप 5 किलो का सिलेंडर लो, तो आपकी पहुँच के अंदर है। सर बात करें हम सब्सिडी की, कि आपको इतने सिलेंडर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसमें क्या होता है सर कि उपभोक्ता को लगता है कि हमें इतना ही मिलना है, वो ज़्यादा दिक्कत होती है उन लोगों को, साल में इतना ही सिलेंडर लिमिट एक बना दी गई है। नहीं देखिए, सिलेंडर की कोई लिमिट नहीं है, जो आपकी एक्चुअल कंजम्पशन है। लेकिन सब्सिडी कह रहे हैं ना कि सब्सिडी के 12 सिलेंडर हैं, आप अगर साल में 12 सिलेंडर लोगे तो आपको सब्सिडी उसकी मिलेगी, 12 के बाद 13वां 14वां सिलेंडर लोगे तो आपको मार्केट रेट का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मोर देन 80% जो कस्टमर्स हैं उनकी ऑन एन एवरेज 7.8 सिलेंडर की कंजम्पशन है पर ईयर, इट मींस आपको 12 सिलेंडर मिल रहे हैं, तो 80% लोगों को की खपत ही 8 सिलेंडर से कम है, तो उनको तो 12 सिलेंडर मिल रहे हैं ना। ये उन लोगों को महसूस होता होगा जिनकी सिलेंडर, जिसकी 12 सिलेंडर से ज़्यादा खपत है, उन लोगों को महसूस होगा कि हमें 13वां सिलेंडर या उससे 12 से ज़्यादा सिलेंडर हमें मार्केट रेट पे खरीदने पड़ते हैं। जिनकी लिमिट है कि 12 ले सकते हैं, सब्सिडी तब मिलेगी, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सब्सिडी आती नहीं है उनके बैंक में। वो कभी देखो बैंक का, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है उसमें, नेटवर्किंग की वजह से, बैंकिंग की वजह से, और आपका क्या कहते हैं, नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में ठीक नहीं है, आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बैंक टू बैंक रोल है उसमें, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं लेना नहीं, और ऑलमोस्ट सबको ही वो हो सकता है कभी कभी देर हो जाती हो, मिलती सबको है। आपकी फेडरेशन उपभोक्ता के हित के लिए आगे क्या कर रही है, क्या मांग रख रही है सरकार से? देखिए, हम हमेशा से जो पहला हम लोगों का एक उद्देश्य है वो सेफ्टी का है, उपभोक्ता का, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी प्रॉम्प्ट सर्विस LPG सेक्टर में है भारत में, किसी भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी नहीं है। आप अगर कंप्लेंट करेंगे, कोई सुझाव देंगे, आपका 90% का जो कंप्लेंट्स हैं या कोई सुझाव हैं उनका 2 घंटे के अंदर रिडर्सल है, और मैक्सिमम 24 या 48 घंटे में 100% रिडर्सल है। होम डिलीवरी कंपलसरी है, मैं डिस्ट्रीब्यूटरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हर उपभोक्ता के घर पे गैस सिलेंडर चेक करके रखें, क्योंकि सेफ्टी हमारा मेन उद्देश्य है। लाखों रिफिल महीने में जाती हैं, करोड़ों जाती हैं, सबसे बड़ा बेस है। देखिए 2014 से पहले 12-13 करोड़ कस्टमर थे, पिछले 5 साल में बढ़ के वो करीब 26 करोड़ भी पार कर गए हैं,
तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे नेटवर्क ने निभाई है। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो फेडरेशन इसके लिए क्या करती है? फेडरेशन नहीं, उसके लिए ऑयल कंपनी का कानून है, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, बट उसके अंदर कस्टमर की गलती होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर दो साल में सेफ्टी ऑडिट है, वो कस्टमर के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि दो साल में कम एक दफ़ा उस अपने गैस कनेक्शन का सेफ्टी ऑडिट कराएं। नहीं कराएंगे तो हो सकता है इंश्योरेंस वाले आपको इंश्योरेंस ना दें, ठीक है। और 1906 आपका 24 घंटे थ्रू आउट इंडिया आपका इमरजेंसी सर्विस सेल है, कोई भी कंप्लेंट है, लीकेज की कंप्लेंट है या कोई डिफेक्ट है उसमें अवेलेबल है। और सरकार की तरफ से भी, ऑयल कंपनी की तरफ से भी, LPG बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट का हमारा सबसे ज़्यादा फोकस, ये राजनीतिक प्रोडक्ट भी है एक, ये LPG जो है ये आज की राजनीति में बहुत इसका महत्व है। क्या है महत्व बताएं? बहुत महत्व है, लोग इसके इससे जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो इसमें वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए इसकी प्राइसिंग वगैरह आज भी सरकार के पास है। हमारा जो कमीशन भी तय होता है, भले ही देर से हो, हमें कमीशन पूरा नहीं मिलता, जितना एक्चुअल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बट वो सब कुछ सरकार के हाथ में है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है। आपकी जो फेडरेशन है लगातार सरकार से मांग रहती है, जैसे आपने बताया कमीशन के लिए, तो इसके आगे और क्या मांग रख रहे हैं सरकार से अपने फेडरेशन के लिए? देखिए, हमारे को कम से कम आज के उसमें जो डाटा, कम से कम भी 125 रुपये पर सिलेंडर हमारा कमीशन होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी हमारा मतलब कह सकते हैं कि हमारा अच्छा वक्त नहीं है कि हमें उतना मिलता नहीं है, बहुत कम, उससे आधे से भी ज़्यादा मिलता है। और जब भी कभी सरकारी तंत्र हैं वो काम करने का तरीका है, उसमें बहुत डिले हो जाती है कई दफ़ा, तो इसमें हमें वो परेशानी आती है। और लेकिन टाइम टू टाइम बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता, जितना हमारे एक्चुअल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तमाम जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भी LPG उपभोक्ता है उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत सेफ, खाना बनाने के लिए बहुत उपयुक्त, बहुत सुरक्षात्मक एक प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करो, एनवायरनमेंट का फ़ायदा है। उज्ज्वला के द्वारा भी जो धुआं था वो था, जो उनकी सेहत पे काफ़ी हक पड़ेगा, नहीं इस्तेमाल करोगे तो फिर धुएं में करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को लगता है कि ईंधन लकड़ी वकड़ी सब फ्री मिलता है, ऐसा नहीं है, इसको आप इस्तेमाल करो और जैसे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है गवर्नमेंट भी को आपको बेनिफिट दे, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट को इस ये जो उज्ज्वला के कस्टमर हैं इनके लिए अलग से कोई प्राइसिंग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अच्छा सर, हम ये बात करें, जो अभी गैस पाइपलाइन डली है उससे सिलेंडर्स में कोई फ़र्क या कोई कमी आई हो? LPG की जो थर्मल कैपेसिटी है वो IGL की जो 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 नेचुरल गैस है उससे बेहतर है, लेकिन खास करके मेट्रोज में और शहरों में हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट इस PNG ने किया है, PNG ने पाइपलाइन ने किया है, और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रीब्यूटर अनवायबल हो गए हैं। अनवायबल होंगे तो वो अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो उसके साथ भी गवर्नमेंट को, ऑयल कंपनी को कोई सब्स्टिट्यूट, उनके रिहेबिलिटेशन के कोई ना कोई साथ साथ पॉलिसी लानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का वो फ़र्ज है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दो, रोज़गार दो। और अगर ये पाइपलाइन ज़्यादा आएंगी और तो लोगों का रोज़गार अकेले डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं है, उसके साथ कम से कम 20-25-30 लोग जो डिलीवरी मैन है, स्टाफ है, वो जुड़ा हुआ है, वो भी बेरोजगार हो जाता है। मैं उपभोक्ता से विनती करता हूँ, खास करके उज्ज्वला कस्टमर्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा LPG का इस्तेमाल करो, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, सरकार ने आपके फ़ायदे के लिए फ्री है। और जिन उपभोक्ताओं ने ये फैसिलिटी अभी नहीं लिया, कनेक्शन नहीं लिया है, ये ओपन है, आप जाके कभी भी ले सकते हो। और ये छोटा सिलेंडर जो 5 किलो का जिसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना 14 किलो के सिलेंडर से चेंज कराओ, इसकी कीमत भी कम है और ये कैरी करने में भी आसानी है, आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं, आपकी जितनी इनकम का उसके हिसाब से ये आपकी पहुँच के अंदर है। और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखो, कभी भी आपको स्मेल आती है LPG की, इमीडिएटली आप अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करो, और अगर नहीं है तो इमरजेंसी सर्विस सेल है, आपके घर पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन करो। और बहुत सुरक्षा वाला एक बहुत अच्छा ईंधन है, इसमें सुरक्षा भी है, ढंग से इस्तेमाल करोगे तो। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हमेशा चूल्हे को सिलेंडर से ऊँचाई पर रखें, क्योंकि जब गैस लीक होती है तो नीचे फैलती है, तो चूल्हे को हमेशा ऊपर रखें, उससे वो आपकी सुरक्षा के लिए है।
दूसरा नीचे रखना चाहिए, सिलेंडर नीचे रखना चाहिए, चूल्हा उसकी हाइट से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, सिंथेटिक कपड़े ना पहने जब खाना बनाएं, सूती कपड़े पहन के खाना बनाएं।